हे एवरीवन, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सेब से बीज निकालकर उन्हें ग्रो किया था। ये रहे वो ग्रो करे हुए पौधे, क्यूट लग रहे हैं ना। मैंने कुछ साल पहले भी एप्पल से सीड निकाल के जर्मिनेट करा था। वो सारे पौधे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उनके भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे आप सेब से बीज निकालकर उन्हें जर्मिनेट कर सकते हैं। आपको एक बॉन्साई मटेरियल भी मिल जाएगा, साथ ही कुछ एक्जोटिक फ्रूट प्लांट्स भी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं उन चीज़ों से जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बीजों को जर्मिनेट करने में। सबसे पहले तो एप्पल, जिससे आपको बीजों को निकालना है। दूसरा एक छोटा डब्बा। तीसरा है कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। टिश्यू पेपर सॉफ्ट होता है, आसानी से फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो पेपर या कोई भी कॉटन क्लोथ ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पानी। जर्मिनेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है सीड एक्सट्रैक्शन। और सेब से बीजों को किसने नहीं निकाला है। सेब को दो भाग में डिवाइड करिएगा, बीच में आपको सीड्स मिल जाएंगे। ब्लैक कलर के सीड होते हैं और 5 से लेकर के 10 बीज तक आपको एक एप्पल से मिल जाएंगे। वैसे ही बीजों को आप जर्मिनेशन के लिए यूज़ करिएगा जो चाकू से कटे हुए ना हो। अब टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला कर लेंगे और इस पर हम बीजों को सजा लेंगे। इसे फोल्ड करके छोटा कर लेंगे क्योंकि इसे हमें डब्बे में रखना है। डब्बे का कवर लगा देंगे। एयर टाइट डब्बा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको टिश्यू पेपर को सफिशेंटली मॉइस्ट रखना है। इस डब्बे को अब हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। आपको नीचे वाले सेक्शन में रखना है, फ्रीज में, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना है। बीजों को जर्मिनेट होने में 30 से लेकर के 40 दिन तक लग सकते हैं, इसलिए बीच में कभी कभी चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा सूख तो नहीं गया है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया है। अगर सूख गया हो तो मॉइस्ट कर लीजिएगा, खराब गंदा हो गया हो तो उसे आप बदल भी सकते हैं। बीजों को रखे हुए 36 दिन हो गए हैं। मैंने बीच में एक बार टिश्यू पेपर चेंज करा था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। डब्बे को खोल के देखते हैं अंदर बीजों का क्या हाल है। ये देखिए, बीज बड़े अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, थोड़े बड़े बड़े भी हो गए हैं, रूट्स काफ़ी अच्छे हो गए होंगे और जो फर्स्ट लीफ होता है ना, जिसे कॉटिलेडनस लीफ भी कहते हैं, वो भी दिखने लगे हैं। सेब के छोटे छोटे पौधों को लगाने के लिए मैंने आइसक्रीम के ये डब्बे लिए हैं। सबसे पहले तो इन डब्बों में हम हीटिंग रॉड से ड्रेनेज होल बना लेंगे। इसमें कोकोपीट भर लेंगे। और अब बारी है सीडलिंग्स को अलग अलग करने का और टिश्यू पेपर से इनके रूट्स को डिटैच करने का। बड़े आराम से ये काम आपको करना होगा। सीडलिंग्स तो सारे अलग अलग हो गए। अब जो छोटे छोटे टिश्यू पेपर के टुकड़े सीडलिंग के जड़ के साथ अटैच हुए हुए हैं, उन्हें बड़े आराम से हल्के हाथों से अलग कर लेंगे और फिर इन्हें हम कोकोपीट में लगा लेंगे। मिट्टी में इन्हें मत लगाइएगा क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और मिट्टी में कभी कभी फंगस या किसी चीज़ के कारण गल भी जाते हैं। कोकोपीट इन्हें लगाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है। और कोकोपीट आप थोड़ा तो घर पर भी तैयार कर ही सकते हैं नारियल के छिलके से। कैसे तैयार करना है उसमें मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है, वीडियो लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। और आप चाहें तो कोकोपीट परचेज भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या कोई भी ऑनलाइन या बीज भंडार से। सीडलिंग्स को कोकोपीट में लगाने के बाद पानी अच्छे से ज़रूर डाल दीजिएगा और इन गमलों को किसी ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर इन्हें सुबह और शाम में रोशनी मिल जाए। डायरेक्ट सनलाइट भी चलेगा लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से ये पौधे बच जाएँ। मेरा ये लोकेशन कुछ वैसा ही है और सेब आउटडोर प्लांट है, इसलिए आप कोई अंधेरी जगह पे इन सीडलिंग्स को मत रखिएगा। सीडलिंग्स को लगाने के 6 दिन बाद का ये अपडेट है। काफ़ी अच्छे से ये पौधे ग्रो हो रहे हैं और अब तो इनमें फर्स्ट ट्रू लीव्स भी आ गए हैं।
सीडलिंग्स लगाए हुए 10 दिन हो गए हैं। अब इन छोटे पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा वर्मी कॉम्पोस्ट सारे ही गमलों में डाल देंगे। आपको पता ही होगा कोकोपीट इनर्ट मीडिया होता है, उसमें ज़्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसलिए हम जब कोकोपीट को पौधों के लिए तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा सीवीड मिला देते हैं। मार्केट में मिलने वाले कोकोपीट ब्रिक को पौधों के लिए कैसे तैयार करना है उसमें मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है और कुछ शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। मैं सारे ही रिलेटेड वीडियोज़ की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। ये रहा 17 दिन बाद का अपडेट। सारे पौधे बड़े अच्छे ग्रो हो रहे हैं, इवन फर्टिलाइज़र डालने के बाद से ग्रोथ और भी बूस्ट हो गई। अब अगर आपको बॉन्साई बनाना है या कुछ अलग तरह का कलेक्शन बनाना है तो उस हिसाब से इन पौधों को आप गमलों में लगा सकते हैं, क्योंकि इनके रूट्स काफ़ी अच्छे डेवलप हो चुके होंगे। मैं एक को बॉन्साई की तरह ग्रो करूँगी इसलिए उसका टिप प्रून कर दे रही, ताकि अभी से ही अच्छी ब्रांचिंग होने लगे और मुझे बहुत ही अच्छा बॉन्साई मिले। और जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको उन पौधों के अपडेट दिखाऊंगी जो मैंने बहुत पहले बीजों से लगाए थे, वो आप देख सकते हैं। ये पौधे ठंडी के मौसम में विंटर डॉर्मेंसी में गए थे और स्प्रिंग के साथ साथ इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये एक पौधा है जिसमें बड़ी ही अच्छी ग्रोथ हो गई है अब तक। ये थोड़े अच्छे ब्राइट लोकेशन में है और इसमें होपफुली अब मुझे फ्लावर्स भी मिलेंगे। मैं अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अब थोड़े गार्डन अपडेट्स। डेजर्ट रोज़ का सीज़न आ गया है, तो एडेनियम अगर आपके कलेक्शन में ना हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। कैलेडियम्स जो कि विंटर में डॉर्मेंसी में थे उनमें नई पत्तियाँ आने लगी है। समर सीजनल बल्ब्स जो कि अब खिलने लगे हैं, नई पत्तियाँ आने लगी है इनमें। फुटबॉल लिली, एमरेलिस लिली और ग्रीन लिली काफ़ी हार्डी होते हैं। हमारे वेबसाइट पर इनका बहुत सारा कलेक्शन है, आप ज़रूर चेक करिएगा। बोगनविलिया जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, वो तो अभी रंगों से आपके गार्डन को भर देगा। ना हो कलेक्शन में तो ऐड कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इज गार्डन, साइनिंग ऑफ।